नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक मजेदार टेक न्यूज वाली वीडियो में। गाइस जल्दी से करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। और सबसे पहली न्यूज आ रही है HMD की तरफ से। अगर आपको पता नहीं है तो HMD वही कंपनी है जिसने यहाँ पे नोकिया को एक्वायर किया था। और यहाँ पे जो HMD है वो एक नया मोबाइल लेके आ रही है जो की आप खुद रिपेयर कर सकते हो आपके घर पे, उस तरीके का मोबाइल आएगा। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। डिस्प्ले है वो 6.6 इंच की और 44Hz की OLED डिस्प्ले आपको इसमें देखने मिलेगी। यहाँ पे 12GB 256GB वाला एक ही वेरिएंट है वो अवेलेबल रहेगा, ऐसा आई थिंक अभी कहा जा रहा है। और भी दूसरे वेरिएंट आएंगे, लीक होती है वही इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 108MP का जो प्राइमरी जो कैमरा है वो रहेगा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा रहेगा, 13MP का वाइड कैमरा है वो रहेगा। मेगापिक्सल इतने ज्यादा आंकड़े दिखाए जाते हैं, बट मेगापिक्सल के ऊपर मैंने हमेशा बताया है कि भरोसा नहीं करना होता है, मेन बात हमेशा होती है सेंसर की। तो सेंसर की अभी कोई बात नहीं आई है, सेंसर कैसा दिया जाता है उसी तरीके से कैमरे की क्वालिटी रहती है। मेगापिक्सल का आंकड़ा तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ज्यादा बड़ा के दिखाती है, बट मेगापिक्सल से ज्यादा यहाँ पे सेंसर और सेंसर की साइज मैटर करती है। गाइस यहाँ पे मोटोरोला H50 Neo बहुत जल्द आ सकता है और कुछ यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो लीक हुई है और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी कुछ बातें आई है। रेयर कैमरा है वहाँ पे, ट्रिपल कैमरा का आपको सेटअप देखने मिलता है। जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50MP का रहेगा, 12MP का सेकेंडरी कैमरा रहेगा, 10MP का और एक आपको कैमरा देखने मिलेगा, 32MP का सेल्फी कैमरा रहेगा। प्रोसेसर है वो यहाँ पे मिलता है Dimensity 7300, यहाँ पे ये प्रोसेसर देखने मिलता है। 4300mAh की आपको बैटरी देखने मिलेगी, जो कि बैटरी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ी आपको कम देखने मिलती है। एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ आपको ये मोबाइल देखने मिलेगा। यहाँ पे 256GB वाला एक वेरिएंट की बात हुई है, मतलब कि यहाँ पे आई थिंक यही एक वेरिएंट लॉन्च होगा, पता नहीं अभी, वो तो लॉन्च होता है उसके बाद पता चलेगा। साथ में आपको IP68 का यहाँ पे रेटिंग भी देखने मिलेगा इस मोबाइल के साथ। पिक्सल की बात आ रही है तो पिक्सल ने परेशान हो गए थे लीक से कि भाई दूसरे कुछ ना कुछ बता रहे थे, चीजें लीक हो रही थी, ठीक है। तो गूगल ने परेशान होकर भी कह दिया कि ये लो भाई तुम हमारे जो मोबाइल है उसकी डिजाइन देख लो। उनके लिए उन्होंने पिक्सल की जो यूट्यूब चैनल थी वहां पे दो ट्रेलर लॉन्च कर दिए, इसमें कि गूगल पिक्सल प्रो और उसके साथ साथ गूगल पिक्सल प्रो फोल्ड है, उस दोनों की डिजाइन यहाँ पे रिवील कर दी। कुछ इस तरीके की डिजाइन रहेगी, आप देख सकते हैं। आया है न्यूज की गूगल के पिक्सल के जो ये सारे वर्जन है वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएंगे August 13 को। अभी यहाँ पे गाइस एक पोको की तरफ से एक न्यूज आ रही है, M6 5G है वो बहुत टाइम के पहले ही लॉन्च हो गया था, 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ, बट अभी इंडिया में एक दूसरा इसका वेरिएंट है वो अवेलेबल किया गया है, थोड़ा और ज्यादा बजट फ्रेंडली है। इस बजट में आपको 5G मोबाइल मिल जाता है, 8,500 रुपए वाला एक नया यहाँ पे वेरिएंट है वो लॉन्च किया है, 5G मोबाइल देखने मिल जाता है। 4GB 64GB वाला ये वेरिएंट है, मतलब की यहाँ पे जो स्टोरेज और रैम है वो थोड़ी कम मिलती है, बट इसमें आपको 5G मिल जाता है, ये बड़ी चीज है। 8,500 रुपए में ये मोबाइल आपको देखने मिल जाता है, मतलब की 8,500 में भी 8,249 रुपए में ये मोबाइल आपको मिल जाता है। इसमें और कोई भी मैंने 5G मोबाइल नहीं देखा। अगर इस प्राइस में मैं कहूँ तो पोको का ये मोबाइल बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप घर के लिए या नॉर्मल यूजेज के लिए, सिर्फ वीडियो देखने के लिए या ऐसे कोई भी नॉर्मल यूजेज के लिए सेकेंडरी फोन या घर के लिए फोन देख रहे हो, आप यहाँ पे एक सस्ता 5G फोन पोको का M6 5G आप परचेस कर सकते हो। ये अभी अवेलेबल हो गया है इंडिया में। गाइस यहाँ पे न्यूज आ रही है डायसन की तरफ से। गाइस ये चीज परचेस करना मेरी और आपकी दोनों की औकात से बाहर की चीज है, बट यहाँ पे डायसन ने एक नया हेडफोन लॉन्च कर दिया है, मतलब की 50-60 हजार से ऊपर ही होगा। नो डाउट जो डायसन के हेडफोन होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब की 50-60 हजार आप दे रहे हो तो बहुत ही आउट ऑफ लेवल और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देखने मिलती है। नॉइज कैंसलेशन का आपको सपोर्ट मिलता है इसमें, 40mm के आपको इसमें ड्राइवर देखने मिलते हैं, 1 चार्ज से 5 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देखने मिलता है, उस तरीके के ये हेडफोन है। और बिल्कुल यहाँ पे प्राइस इसकी मेंशन नहीं है, बट 50,000 से ऊपर के तो हेडफोन हो गए डेफिनेटली, नहीं तो इसकी प्राइस रहेगी। और पूरा जो फोन है वो पूरी तरीके से हाई एंड एल्यूमिनियम बिल से बना हुआ हेडफोन है, ठीक, मतलब की प्रीमियमनेस तो इसके कर से झलकती हो कि भाई प्राइस भी उस तरीके से ले रहे हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट का कल एक लफड़ा हो गया था गाइस, वो भी मैं आपको बता दूं कि कल माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड बेस्ड सर्विस थी वो डाउन हो गई थी। डाउन होने की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई और नुकसान हुए, वैसे मतलब की अमेरिका की जो कुछ छोटी एयरलाइने थे उनको भी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई और उसके अलावा भी जो नॉर्मल बंदों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों को विंडो में ब्लू स्क्रीन एरर के जो दिक्कतें है वो देखने मिली, इसके अलावा भी यहाँ पे दूसरी अलग अलग यहाँ पे दिक्कतें देखने मिली जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए। कल ये लफड़ा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो की अभी के टाइम पे सोल्व कर दिया गया है, बट कल ये लफड़ा होने की वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए, एयरलाइन के बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, हंड्रेड के ऊपर यहाँ पे फ्लाइट है वो कैंसिल हुई थी कल। अभी गाइस एक ओपन AI की तरफ से नया ChatGPT लॉन्च कर दिया गया है, रीजनेबल प्राइस में, थोड़े से और कम प्राइस में आपको देखने मिलेगा, जिससे कि और ज्यादा लोग ChatGPT को यूज कर पाए, इसीलिए OpenAI ने ये एक नया ChatGPT प्लान है और एक नया ChatGPT मॉडल है वो लॉन्च किया है, ChatGPT 40 mini यहाँ पे कह के लॉन्च किया।
किया गया है। लास्ट में जो चैट जीपीटी 3.5 टर्बो था 60% और चीपर यहाँ पे बताया जा रहा है, उस तरीके का चैट जीपीटी 14 मिनी है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप चैट जीपीटी परचेस करना चाहते थे और चैट जीपीटी को आप समझना चाहते थे और यूज करना चाहते थे, ये चैट जीपीटी 14 मिनी से आप शुरुआत कर सकते हो। अभी गाइस एक एप्पल को एक बात के लिए अभी चोर किया जा रहा है। iOS 18 बेटा यहाँ पे पब्लिक हो गया है, बहुत सारे भरपूर AI के जो फीचर है वो तो अवेलेबल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इस AI को ट्रेन, कोई भी AI हो उसको ट्रेन करने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है। तो जो एप्पल था AI को ट्रेन करने के लिए जिस कंपनी को हायर किया था, उस कंपनी ने यहाँ पे जो कुछ चोरियां की है, उन्होंने डायरेक्टली जो डेटा देने के लिए डायरेक्टली यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो क्रिएटर के जो वीडियो है उसका डेटा यहाँ पे यूज करते हुए इस AI को ट्रेन करने में मदद की है। मतलब कि डायरेक्टली चुरा लिया किसी की परमिशन और किसी को फ्री में यहाँ पे चुरा लिया, इसीलिए इसे यहाँ पे चोर किया जा रहा है। भले ही डायरेक्टली हम यहाँ पे एप्पल को यहाँ पे चोर नहीं मान सकते, बताया ऐसा ही जा रहा है कि एप्पल ने इस तरीके से AI को ट्रेन करने के लिए चोरी की। अभी गाइस एक फाइनल न्यूज आ रही है जो कि आ रही है हमारे इंडिया के एक यूजर जो फेसबुक यूजर है, उनको एक फेसबुक पे फ्रॉड हो गया। फेसबुक पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, वहां पे इस बंदे ने 1.5 करोड़ फूंक डाले। लोगों को मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाई इतना मैच्योर क्यों नहीं होते है कि 1.5 करोड़ की उसकी औकात है फिर भी इतना मैच्योर नहीं है कि फेसबुक इंस्टाग्राम इन चीजों पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी कोई भी बंदे या कोई भी पेज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। और मैं गाइस आपको भी बताता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कभी भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो या लिंक दे या कुछ भी दे, ठीक है, उस पे कभी भी ट्रस्ट ना करो, आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकते हैं। तो कभी भी इन चीजों पे पैसा डालने के लिए इस सब प्लेटफॉर्मों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। इस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि पहले थोड़ा सा पैसा उन्होंने दिया होगा तो ये और लालच में आया होगा, और पैसा डाला तो थोड़ा सा और दिया, फिर इसने 1.5 करोड़ डाल दिया तो उन्होंने कहा टाटा गुड बाय सी यू, ठीक है, तो ऐसा ही हुआ होगा। और आज की न्यूज इसके साथ होती है खत्म गाइस। ऐसे ही मजेदार न्यूज लेके मैं फिर से कल आऊंगा आपके लिए। अगर आपको ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, बट इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है मेरे मालिक।